अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शेख और आपको वेलकम करता हूं। 3 एक रोज़ा मैचेस खेलने के लिए कौमी टीम नीदरलैंड रवाना हो गई। टीम लाहौर से रवाना होने के बाद नीदरलैंड पहुंच गई। कौमी टीम का पहला पड़ाव एम्स्टरडैम था, जहां टीम ने कुछ देर आराम किया और उसके बाद रोटरडैम के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान और नीदरलैंड के मबैन 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ 16 अगस्त से शुरू होगा। टी सीरीज़ के बकिया 2 मैचेस 18 और 21 अगस्त को नीदरलैंड के शहर रोटरडैम में खेले जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का रवानगी से कबल कहना था कि नीदरलैंड की टीम को हम इजी नहीं लेंगे, क्योंकि होम ग्राउंड पर कोई भी टीम इजी नहीं होती। हमने दस्तयाब खिलाड़ियों में से बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। बाबर आजम का कहना था कि हम पूरी जाँफिशानी से खेलेंगे और कौम को आज़ादी का तोहफा देंगे। 3 मैचेस में क्लीन स्वीप करेंगे। याद रहे, बाबर आजम को 14 अगस्त यानी आज के दिन उनको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। यह किसी भी पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि उसे मुल्क कौम की तरफ से कोई बड़ा एजाज़ दिया जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में।